वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार। हम लोग बात करने जा रहे हैं जनरल साइंस के बारे में, ठीक है। और जनरल साइंस से हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 500 क्वेश्चंस, जो कि आपका रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। और हर पार्ट में मैं टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। ये है आपका पार्ट नंबर 5। तो हम लोग देखेंगे आज का क्वेश्चन। आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर दूंगा, ओके। फेसबुक पेज मिलेगा, उसको जाकर के आप लोग लाइक कर लेना, और वहां पे एक ग्रुप मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे भी पढ़ाई का काम चलता रहता है, ओके। चलो देखते हैं हम लोग। अगर कोई क्वेरीज होगा आप लोगों का पर्सनल, तो आप इस पे मेल कर सकते हो contact@unlimitededucation.in, या आप फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हो, ओके। चलो चलो देखते हैं। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला होगा अभी तक, तो उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैंने किसका किसका पीडीएफ भेजा है और किसका किसका पीडीएफ नहीं भेजा है। आप लोग बस आराम से पढ़ो, और ये 500 जीएस क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं रेलवे एग्जाम से पहले, तो आप लोग ये मत सोचना कि पूरा 500 होगा या नहीं होगा। एक दिन में 2-3 लेक्चर भी आप लोगों का आ सकता है, ठीक है। वो मेरा काम है पूरा करना। आप लोगों से सिर्फ इतना बोलेंगे कि जो भी लेक्चर आए आप लोग देख करके रखो, और अगर आने में टाइम लगता है लेक्चर, तो जितना आ चुका है उसको आप लोग देखो, ठीक है। चैनल पे इतना ज्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है रेलवे ग्रुप डी के लिए या रेलवे के एग्जाम के लिए कि आप लोग अभी तक पूरा देखे ही नहीं होंगे। काफी ज्यादा मटेरियल है, सब कुछ देखो। टॉप 100 जनरल साइंस देखो, टॉप 500 जनरल साइंस देखो, आप जो है सो ALP आस्क क्वेश्चंस का पूरा सीरीज है वो जाकर के देखो, SPD जनरल साइंस का पूरा सीरीज है वो जाकर के देखो, मैथ जाकर के देखो, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी है वो सारा आप लोग जाकर के देखो, सब कुछ देखो तो पहले सही, ठीक है। चलो देखो, ये आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 डिस्कस करेंगे, इसका मतलब 120 तक हम लोगों ने कर लिया है। देखो ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है। ये मैं क्यों यहाँ पे लाया, क्योंकि इसके पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया था, तो वहां पर आंसर आर्गन मैंने दिया था, तो वो गलत है, तो आप लोग इसको सुधार लेना, आप लोग इसको सुधार लेना। आंसर होगा रेडॉन, ठीक है, आंसर रेडॉन होगा, तो आप लोग इसको चेंज कर लेना। पीछे वाला लेक्चर में आर्गन है तो ये नहीं होगा, रेडॉन होगा। भारत का कौन सा राज्य, देखो अंडा की टोकरी का बात आएगा तो आंध्र प्रदेश, वैसे ये जनरल साइंस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिर्फ जनरल साइंस ही तो नहीं है ना, इसके अलावा भी करंट अफेयर्स है और थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके आ जाता है, तो आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। एक इसको आप लोग याद रखना, लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो देखो लाल क्रांति है मांस से, तो इसको याद रखना, लाल क्रांति आपका मांस से है, और भूरी क्रांति उर्वरक से है, कृष्णा क्रांति किससे है, कृष्णा क्रांति पेट्रोलियम से है, ठीक है, कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति ये किससे है, तो ये है आपका पेट्रोलियम से, ओके। लाल क्रांति मांस से और भूरी क्रांति उर्वरक से। देखो मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी, तो ये डिजीज वाला पोर्शन है, तो ये सब जनरल साइंस में ही आता है, रानीखेत, रानीखेत मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है, तो रानीखेत। देखो दूध, जैसे ही दूध का बात आए तो कैसे हम लोग कहते हैं दूध से दही जमाने में किस जीवाणु का मदद लिया जाता है, या कौन सा जीवाणु सहायक होता है दूध से दही जमाने में, तो बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। एग्जाम में एक ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपका आता है कि लैक्टोबैसिलस क्या है, जीवाणु है, विषाणु है, फंगी है, तो जीवाणु है। और उस लैक्टो से आप लोग याद कर सकते हो लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर क्या करता है, दूध का प्यूरिफिकेशन मेजर करता है, दूध शुद्ध है कि नहीं, उसमें कोई मिलावट है कि नहीं, और घनत्व भी, ठीक है, घनत्व भी ज्ञात किया जाता है। चलो आगे देखते हैं, भारत में सबसे ज्यादा पशुधन, तो भारत में सबसे ज्यादा पशुधन है उत्तर प्रदेश, ओके। और ये राजस्थान, देखो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको आप लोग रट जाना। ये राजस्थान जैसे ही आए ना, तांबे के लिए ये फेमस है, खेतरी नाम का जगह, ठीक है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ पाया जाता है, तो खेतरी में। सोने का आभूषण, देखो
सोने का आभूषण, हम लोग बोलते हैं ना 24 कैरेट का सोना होता है, तो रियल में जो 24 कैरेट का सोना होता है वो प्योर शुद्ध नहीं होता है, मतलब प्योर शुद्ध होता है लेकिन वो सॉलिड क्या कर सकते हो आप, मजबूत नहीं होता, ये लचीला होता है, लचीला होता है, लचीला। तो इसमें क्या किया जाता है, कुछ अशुद्धि मिलाया जाता है, अशुद्धि। तो आप ये कह सकते हो कि कुछ मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है, तो तांबा। इसी के वजह से थोड़ा सा वो ठोस की तरह होता है, तो हम लोग को इस शेप दे करके आभूषण बनाते हैं। आप प्योर सोना 24 कैरेट का सोना का आभूषण नहीं बना सकते हो, याद रखना, क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है वो लचीला होता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु ऑस्मियम, आप लोग को एक लेक्चर मिलेगा पीरियोडिक टेबल, जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में चले जाना, पीरियोडिक टेबल आप लोगों को एक लेक्चर मिलेगा, इसको आप लोग अच्छे से देख करके रेलवे रेलवे का एग्जाम देने जाना, अच्छे से देख लेना, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा है पीरियोडिक टेबल से एएलपी के एग्जाम में, और आप लोगों का भी ग्रुप डी में भी साइंस आने वाला है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये देख करके आप लोग जाना, तो इसको आप लोग देख लो, काफी अच्छे से मैंने बताया है, आप लोग ये मान करके चलो कि ये देख लोगे ना तो आपका पीरियोडिक टेबल से कुछ भी नहीं छूटेगा, क्योंकि वो 35 मिनट का लेक्चर है, 35 मिनट तक मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है घटता है, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, मतलब हर एक क्वेश्चन उस वहां पे आपको ये भी कवर हो जाएगा, ये भी, मतलब कुछ नहीं छोड़ा हुआ है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम, निम्नलिखित में से आग बुझाने वाली गैस, तो आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, फायर एक्सटिंग्यूशर जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी भरा हुआ रहता है। रात्रि में देखो, रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, देखो दिन में पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है तो हम लोग सांस लेते हैं, लेकिन रात में CO2 छोड़ता है, रात में CO2 छोड़ता है, और हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी CO2 छोड़ते हैं। अब बताओ रात में आप पेड़ के पास सोए हुए हो, आप लोग भी CO2 छोड़ोगे, पेड़ पौधा भी CO2 छोड़ेगा, तो क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। यही रीजन है कि रात में पेड़ पौधा के पास नहीं सोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन तत्व, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, याद रखना आप लोग। बायोलॉजी के जन्मदाता अरस्तु, काफी फेमस क्वेश्चन है साइंस का, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है, तो नागपुर में, आपको बताए थे ना भूरी क्रांति लाल क्रांति मांस, भूरी क्रांति उर्वरक, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो मादा पशु, देखो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, मादा पशु में जब बच्चा पैदा होता है, जब मादा पशु में बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है, तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ट्रांसफार्मर। देखो जब भी ट्रांसफार्मर आएगा 2-3 चीज याद रखना, पहला कि ये एसी पे काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट पे ही ये काम करता है, डीसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो देखो एसी का बात किए तो वही एसी, एसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने में, मतलब एसी जो होता है एसी अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, तो इसको ये ट्रांसफार्मर जो है सो उच्च निम्न, मतलब ऊंचा से ज्यादा, मतलब ज्यादा को कम, कम से ज्यादा करना करने का काम करता है आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है। देखो द्रव का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, श्यानता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी, क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस है और ये लिक्विड है ना, ये लिक्विड है ना, तो आप देखोगे क्या कि जैसे मान लो नदी है, नदी में ये पानी है पूरा, तो आप देखोगे जैसे नदी में धारा बहती है ना, तो देखोगे सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पे होगा,
उससे कम वेलोसिटी यहाँ पे होगा, उससे कम यहाँ पे होगा, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ होगा, और एकदम लेयर में जो सटा हुआ पानी है ना, ये स्थिर रहता है, एकदम से ऐसा लगता है कि रुका हुआ है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी है, यहाँ पे कम वेलोसिटी है, यहाँ पे उससे भी कम, मतलब जैसे जैसे लेयर के नजदीक में जाओगे वेलोसिटी कम हो जाता है। क्यों क्यों होता है ऐसा? इसी की वजह से, फ्रिक्शन पड़े होगे ना, घर्षण, तो घर्षण ही है ये भी एक तरह का घर्षण ही है, ठीक है, विस्कोसिटी भी एक तरह का घर्षण ही है। तो पानी और लेयर, जहां पे पानी टच होता है तो इसके बीच में, या पानी का आपस में भी तो लेयर होता है ना, इस लेयर पे ये लेयर, इस लेयर पे ये लेयर, इस लेयर पे ये लेयर, ठीक है, तो आपस में भी घर्षण होता है, तो उस वजह से क्या होता है, गति का विरोध हो जाता है, तो विस्कोसिटी की वजह से सयानता। देखो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो फैराडे का लॉ, फैराडे के नियम पे विद्युत मोटर काम करता है। निम्नलिखित में से देखो कौन सा ऐसा बम है जो जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को, बिल्डिंग को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? तो न्यूट्रॉन बम, ठीक है। इससे गामा रे निकलती है, उसका भेदन क्षमता काफी ज्यादा होता है। तो भेदन क्षमता का क्या मतलब होता है? भेदन क्षमता का मतलब ये नहीं होता कि तोड़ दिया, मतलब इस पार से उस पार चला जाता है, तो बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन जिंदगी को वो नष्ट कर सकता है। देखो घरों में, अब देखो समांतर क्रम का फायदा क्या होता है, आपका घर है मान लो इस तरह से समांतर क्रम ऐसे ही होता है ना, समांतर क्रम ऐसे ही होता है। देखो करंट जा रहा है, मान लो इधर से आप करंट भेजे, तो करंट इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें आपका बल्ब लगा हुआ है, यहाँ आपका फैन लगा हुआ है, यहाँ आपका मान लो नाइट बल्ब लगा हुआ है ना, हर घर में होता है। देखो अगर मान लो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप देखोगे तो आपका फैन बंद हो जाएगा, लेकिन क्या आपका बल्ब बंद हो जाता है, नाइट बल्ब बंद हो जाता है? नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये समांतर क्रम में है, इसमें फ्लो रुक गया लेकिन इसमें तो जा रहा है, इसमें तो जा रहा है, क्योंकि इसका सर्किट कंप्लीट है, इसमें नहीं जा रहा है बट इधर से जाके ऐसे आ रहा है, इधर से जाके ऐसे आ रहा है, सर्किट कंप्लीट है। अगर यही सीरीज में रहता ऐसे ऐसे रहता, और उसके बाद मान लो ऐसे इसका सर्किट रहता ऐसे करके, तो यहाँ बल्ब है, अब मान लो बल्ब फ्यूज हो गया, ये आपका फ्यूज हो गया, तो फ्लो रुक जाएगा, तो ये इधर जाएगा ही नहीं करेंट, तो ये भी नहीं जलेगा, ये भी नहीं जलेगा, ठीक है। तो इसीलिए घर में सारा सामान जो है वो समांतर क्रम में लगाया जाता है, ताकि अगर एक का नुकसान हो तो दूसरे पे कोई फर्क ना पड़े। आपको देखो ये सब तो आप लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक। तो घुमा घुमा के पूछता है, ऐसा नहीं है, देखो क्वेश्चन नंबर 142 पढ़ रहे हो लेकिन ये चीज 3 बार 4 बार रिपीट हो चुका है आप लोगों का। मानवीय महिलाओं, देखो वो पशु वाला था, ठीक है, अभी ये महिला, अपना लोग ह्यूमन का बात हो रहा है। तो यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है या अंडाणुओं का जब उत्पादन होता है, उस समय में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो एस्ट्रोजन, वैसे भी ये फीमेल हार्मोन, इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, तो इसको आप लोग याद रखना। देखो डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो जो लोग एसपीडी मेरा पढ़े होंगे उसको पता होगा ये सारा चीज, मैंने काफी अच्छे से बताया है कि जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 ½ H2O। ध्यान से देखो आप लोग, सिर्फ थोड़ा सा वाटर का डिफरेंस है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे याद रखोगे? दोनों का तो CaSO4 ही है, दोनों कैल्शियम सल्फेट ही है, तो याद कैसे रखोगे? प्लास्टर यानी साफ, यानी हाफ, जैसे घर में प्लास्टर करते हो तो साफ सुथरा सा लगता है ना, प्लास्टर यानी साफ यानी हाफ। तो
ये हाफ वाटर आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में और 2H2O चला जाएगा जिप्सम में। अब देखो एग्जाम में आपको कैसे आता है, एग्जाम में आपका आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट क्यों, क्योंकि ये सेमी हाफ को बताता है, और जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्यों, क्योंकि दो जल है ना, तो डाइहाइड्रेट। तो ये एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसको याद कर लेना थोड़ा सा टाइम देकर के अच्छे से। और जिसका भी हाथ टूटा हुआ होगा, प्लास्टर लगाया जाता है, सब लोगों को पता है, तो वही चीज प्लास्टर इसमें क्या होता है, सेप पकड़ लेता है, सेप पकड़ लेता है, जिस सेप में आप चाहोगे उस सेप में ये ढल जाता है। तो इसी वजह से शिल्पकार यूज करता है, चित्रकार यूज करता है, और डॉक्टर तो यूज करता ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। चलो, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबिया हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है, तो आंत में। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है, आंत में। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। चलो, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है, तो रक्त नहीं होता है हाइड्रा में, इसमें ब्लड नहीं होता है, बट ये श्वसन करता है, सांस लेता है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका काम क्या है। देखो, कोई भी चीज, मान लो आप दूध है, मिल्क, तो इसको आप गर्म कर सकते हो, गर्म करते हो, या फ्रिज में रखो, दोनों में ये सेफ हो जाता है थोड़ा देर के लिए ना। गर्म करते हैं तो भी ये खराब नहीं होता है, और फ्रीज करते हैं तो भी ये खराब नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो देखो, गर्म करने से जीवाणु मर जाता है, और जिस जीवाणु के वजह से दूध खराब हो जाता है, फ्रीज करने से वो जीवाणु निष्क्रिय हो जाता है। कोल्ड स्टोरेज में क्यों फल खराब नहीं होता है, देखो, बाहर में रखोगे फल तो खराब हो जाएगा, कोल्ड स्टोरेज में फल ज्यादा दिन तक रहता है। आखिर कारण क्या है, क्योंकि वहां पे जिस जीवाणु की वजह से खराब होता है, उस जीवाणु को निष्क्रिय कर जाता है, मतलब वो लो टेम्परेचर पे वो जागरूक नहीं रहता, वो निष्क्रिय रहता है, ठीक है, सुस्त रहता है। ओके, चलो, निम्नलिखित में से कौन खुजली का रोग स्कैबीज का कारण है। अब देखो, स्कैबीज हो, दाद खाल, खुजली हो, कुछ भी हो, तो वो होता है फंगी की वजह से। किसके वजह से, फंगी की वजह से। गाजर, गाजर, जैसे ही गाजर का नाम आए तो दो तीन चीज याद रखना। पहला कि गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पालक में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और गाजर मूली, गाजर और मूली क्या है, तो ये एक प्रकार का जड़ है, हम जो खाते हैं वो जड़ खाते हैं, गाजर मूली जड़ है। और प्याज और आलू क्या है, प्याज और आलू तना है, तना का रूपांतरण। तो आलू और प्याज में तना खाते हैं, गाजर और मूली में जड़ खाते हैं, और फूल गोभी, फूल गोभी में हम लोग फूल खाते हैं, पुष्प, पुष्प खाते हैं, पुष्प भाग, ठीक है। उसी तरह एक क्वेश्चन आता है लौंग, लौंग जानते होगे, तो लौंग क्या है, तो वो भी फूल ही है, ठीक है, फूल ही है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 5, जहाँ पे हम लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस देखा, और आप लोग ये टोटल 150 क्वेश्चंस को बार बार देखो। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि देख लिए, समझ में आ गया, बट ऐसा होता नहीं है। जीके अगर आप कंटिन्यू रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो देखो, एग्जाम के बाद आप छोड़ देना, कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक एग्जाम नहीं देते हो तब तक आप लोग इसको बार बार देखो, वीडियो में देखो, या वीडियो डाउनलोड करके उससे देखो, या टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उससे देखो, आप लोगों की मर्जी है आप कैसे देखते हो, लेकिन देखते रहो, ठीक है। और थोड़ा सा शेयर करो, आप लोग, चैनल नया है, 4 महीना ही हुआ है हम लोगों के चैनल का, लेकिन आप देख रहे हो कि ग्रोइंग स्पीड अच्छा है, 9000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है, लेकिन और मेंबर चाहिए, क्योंकि मतलब आप समझ सकते हो, जितना बच्चा को बेनिफिट हो जाए उतना बढ़िया, और अगर लेक्चर ज्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा आपको शेयर करो, हम लोग मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा मेहनत हमारे लिए करो। चलो, मन से एग्जाम का तैयारी करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।